पेंशन स्कीम कर्मचारी संगठन मणिकर्ण ब्लॉक ने फॉरेस्ट हाउस बड़ा भुईन में गांधी जयंती मनाई, जिसमें विभिन्न विभागों से आए कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यू पेंशन स्कीम संगठन मणिकर्ण ब्लॉक के अध्यक्ष धनीराम ने की, जिसमें जिला कुल्लू से आए उपाध्यक्ष युवराज नेगी, बालक राम व अजीत बौद्ध संगठन सचिव विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सबने गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए व राष्ट्रपिता को याद किया गया। वहीं इस मौके पर तमाम न्यू पेंशन स्कीम संगठन मणिकर्ण ब्लॉक के सभी विभागीय कर्मचारी साथियों ने संकल्प लिया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, तब तक पेंशन बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। NPSEA मणिकर्ण ब्लॉक के अध्यक्ष धनीराम ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांग को देखते हुए सरकार को पुरानी पेंशन को जल्द बहाल करना चाहिए। जबकि सरकार के मंत्री व विधायक पेंशन के हकदार हैं, तो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं? बता दें, पुरानी पेंशन योजना OPS की मांग जोर पकड़ने लगी है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर फिर आगे आया है। संगठन ने सरकार से गुहार लगाई है कि पुरानी पेंशन योजना जल्द बहाल की जाए। अगर सरकार ने इस पर सुनवाई नहीं की तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। न्यूज प्लस के लिए भुंतर से दीपक कुलवी की रिपोर्ट। टीम के नाम से जाना जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2003 के बाद जितने भी कर्मचारी सरकारी विभाग में लगे, उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है, या यूं कहें उन्हें नाम मात्र पेंशन मिल रही है। चाहे किसी को 500 रुपये मिल रही हो, चाहे किसी को 2500 रुपये मिल रही हो, आप नेट पे सर्च करके देखिए, जितने भी कर्मचारी 2003 के बाद रिटायर हो रहे हैं सरकारी विभाग से, उनको नाम मात्र की पेंशन मिल रही है। ये बहुत ही चिंताजनक है। इस बारे जब हम सभी साथी मिलजुल कर प्रयास करेंगे, तभी मुझे लगता है कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने में सरकार अपना कदम उठाएगी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने कहा है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे फिर वो आप पर हंसेंगे। फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कथन है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। अनेक महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई भारत को, लेकिन महात्मा गांधी जी का जो प्रयास था वो बेहद ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय रहा है। आप चाहे भारत छोड़ आंदोलन की बात करो, चाहे आप असहयोग आंदोलन की बात करो, चाहे उनकी दांडी यात्रा की बात करो, उन्होंने समय समय पर भारतवासियों को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को आज़ाद करने के लिए प्रेरणादायक और एक आदर्श स्थापित किया है। आज मैं आपके माध्यम से जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमें जागना होगा और सोए हुए को भी जगाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का ये तर्क है कि जब सब लोगों को पेंशन मिल जाएगी तो हमें भी मिल जाएगी, इसलिए वो सामने नहीं आते या डरते हैं, या यूं कहें वो सुप्तावस्था में है। हमें ऐसे लोगों को जगाना होगा, क्योंकि ये बात तय है, जब तक हम अपने अधिकारों के लिए जागेंगे नहीं तो सरकारें हमारी जायज मांगों को भी अनसुना कर देंगी। क्या कारण है कि कर्मचारियों को पेंशन देने से सरकार परहेज कर रही है? क्या कारण है कि 2003 के बाद लगे हुए सभी राजनेताओं को पेंशन है? वो इसलिए है क्योंकि कर्मचारी कभी भी एकजुट नहीं हुए हमारे देश में। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जो NPSEA है वो कभी भी धड़ों में नहीं बंटी, जैसा अजीत भाई ने कहा, और हमें यूं ही अग्रसर होते हुए, एकजुट होते हुए अपनी इस जायज मांग को पूरा करने के लिए प्रयासशील रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, आज हमारे इस बैठक में आदरणीय भाई ऋषभ डोटरा जी मौजूद हैं। प्लीज़ आप इंट्रोडक्शन दे दें। ये इंडियन नेवी से रिटायर हैं और रेवेन्यू विभाग में कार्यरत हैं। इनको पेंशन मिल रही है, लेकिन फिर भी आज ये हमारे लिए एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा के रूप में हमारे बीच आए हैं। मैं चाहता हूं इनके लिए जोरदार तालियां। जब तक OPS वाले हमारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, क्या हम पेंशन सिर्फ अपने लिए लेना चाहते हैं? क्या ये सवाल हम अपने लिए कर रहे हैं? ये सवाल आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमारी सर्विस किसी की 10 साल, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल होगी,
लेकिन आने वाले भविष्य में ये जो एनपीएस रूपी जहर है, इसको हमें अपने समाज से, अपने देश से उखाड़ना होगा। हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करवाने के लिए दिन रात एक करना होगा। अंत में मैं केवल दो लाइनें कहूंगा, जनता अभी जाग नहीं रही, इसलिए सरकारें मान नहीं रही। उठो जागो, चलो साथियों, ओपीएस को लाओ साथियों। बुढ़ापे की पुकार है यही, ओपीएस की मांग है सही। कल की चिंता सबको सता रही, एनपीएस ना हमको भा रही। हम जागे हैं, सबको जगाएंगे, ओपीएस बहाल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।